जिला कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के सुर एक बार फिर से बदले नजर आए। एक ओर जहां पार्टी प्रभारी सुशील कुमार शिंदे संगठन और सरकार को इकट्ठा करने में लगे हैं, तो मुख्यमंत्री को अभी भी फ्री हैंड की चिंता सता रही है। यही नहीं, इसके चलते मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बयान तक जारी कर दिया। फतेहपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान मुझे फ्री हैंड नहीं देती है तो मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य पार्टी को जिताना है, चाहे किसी स्तर पर भी वे पार्टी की सेवा करें। वहीं सीएम के इस बयान ने सियासी गलियारों की चर्चा एक बार फिर से गर्म कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि शिंदे के आते ही मुख्यमंत्री हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि यदि उन्हें फ्री हैंड नहीं मिला तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री चुनावों में फ्री हैंड को लेकर हाईकमान से मिल चुके हैं। हाईकमान से मिलने के बाद सीएम का कहना था कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, लेकिन पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और चुनावी रण में जरूर कूदूंगा। लेकिन अब शिंदे के हिमाचल आने के बाद मुख्यमंत्री ने फिर से पासा फेंक दिया है। मुझे तसल्ली है कि हमने न केवल इन 5 वर्षों में और मेरे जितने भी 6 कार्यकाल रहे हैं उनमें अद्भुत विकास हिमाचल प्रदेश का हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, मगर वो विकास की दृष्टि में जो बड़े बड़े राज्य है उसके मुकाबले में भी आगे है। और ये खुशी की बात है, आज विकास आपको हर जगह पर मिलेगा, चाहे सड़कें हैं, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। और इस तरह से जो लोगों का जीवन स्तर है वो ऊंचा हुआ है। और सरकार की इस सरकार के वक्त में जो बड़े भारी पैमाने के ऊपर 2 रोजगारों को रोजगार मिला है। सरकार के खींचतान होती है, मेरी तरफ से कोई खींचतान नहीं है, है ना, मेरे हिसाब से कोई कुछ नहीं है। और मित्र हमेशा इससे फजूल की बहस में कभी हिस्सा नहीं लेता। मेरे पास समय नहीं है, मेरा सारा समय जो है वो गांव में जनता के बीच में है जहाँ वोट है। वोट किसी कमरे में ये भाव में नहीं होते। सर अभी जब चुनाव होने जा रहे हैं, सर देंगे तो कहीं करेंगे, नहीं करेंगे फिर मैं कांग्रेस का वर्कर तो हूँ, तो आप वर्कर के रूप में काम करूंगा।